कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभातखबर.com के वीडियो सेक्शन में। मैं हूं सूरज ठाकुर। इस समय चीन सहित दुनिया भर में तेजी से फैलते कोरोना वायरस को लेकर दहशत का माहौल है। अब तक इससे 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 26 लोग चीन के हैं। 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान प्रांत में पहली बार कोरोना वायरस का मामला सामने आया था। 9 जनवरी को इस वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया। अब तक इस वायरस से 1100 लोगों के पीड़ित होने की खबर है। 13 जनवरी को थाईलैंड में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। 16 से 21 जनवरी तक जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान में कोरोना वायरस से पीड़ित लोग मिले। 17 से 20 जनवरी के बीच पहले तो चीन में 2 और लोगों की मौत हो गई। इस बीच चीन में 200 नए मामले सामने आए, जिसमें कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की पहचान हुई। चीन ने पहली बार कंफर्म किया कि ये वायरस आदमी से आदमी में भी फैल सकता है। 21 जनवरी को एशिया के बाहर कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित 3 लोगों की पहचान हुई है। इन्हें गहन निगरानी में फिलहाल रखा गया है। 23 से 24 जनवरी के बीच चीन के 13 शहरों में कोरोना वायरस फैल गया, जिसकी वजह से परिवहन बंद कर दिया गया है। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को एयरपोर्ट से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। पीड़ितों को एयरपोर्ट में ही सघन जांच और निगरानी के दायरे में रखा जा रहा है। रेलवे स्टेशनों में भी कड़ी निगरानी बरती जा रही है और लोग पीड़ित लोगों को सफर नहीं करने दे रहे। इस वायरस का खौफ इस कदर है कि चीन के नानजिंग प्रांत में एक दंपत्ति ने अपने पीड़ित बच्चों को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया और दूसरे शहर की ओर निकल गए। अब हम आपको बताते हैं कि इस वायरस से पीड़ित होने का लक्षण क्या है। इस वायरस की वजह से नाक बहना, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और बुखार जैसे लक्षणों के साथ शुरू होने वाली बीमारी धीरे धीरे फेफड़ों के गंभीर संक्रमण तक खतरनाक हो जाती है। वायरस के संपर्क में आने वाले लोगों को इन लक्षणों के साथ गंभीर किस्म का निमोनिया हो जाता है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है और आखिरकार लोगों की मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में ये कोरोना वायरस है क्या भला। वैज्ञानिक लियो पून के मुताबिक नया चीनी कोरोना वायरस वायरसों का एक समूह है, जो आमतौर पर सांप, चमगादड़, ऊंट, सुअर जैसे जानवरों में पाया जाता है। कहा जाता है कि ये वायरस पहले चीन के वुहान प्रांत से फैला, जहां किसी व्यक्ति ने सांप का सूप पिया था। वहीं एक अन्य दावा ये है कि चीनी लड़की ने चमगादड़ खाया था और उसका सूप पिया था, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैला। अब हम जान लेते हैं कि इस चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय क्या कर रहा है। कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वियना में 2 आपातकालीन बैठकें की। इस संक्रमण को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया है। सभी देशों से आग्रह किया गया है कि वो तमाम जरूरी एहतियात बरतें। चीन सहित तमाम देशों ने इससे निपटने के लिए आवागमन के सभी स्थानों, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या एयरपोर्ट, सभी जगह निगरानी बढ़ा दी है। चीन ने वुहान प्रांत में 10 दिनों के भीतर स्पेशल अस्पताल बनाने का आदेश दिया है, जिसका निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। भारत में भी वायरस से पीड़ित संदिग्धों के इलाज की विशेष व्यवस्था की गई है। दिल्ली स्थित एम्स के लिए इसमें अलग से वार्ड बनाया गया है। भारत कोरोना वायरस को लेकर खासा चिंतित है, क्योंकि चीन के वुहान और हुबई प्रांत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में तकरीबन 700 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इस बार गणतंत्र दिवस समारोह नहीं मनाने का फैसला किया है। सवाल ये है कि आखिर इसका बचाव क्या है। बता दूं कि अभी तक इसका कोई भी इलाज या दवाई या वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी है। हालांकि इसका प्रयास जारी है। फिलहाल सर्दी जुकाम में काम आने वाली वैकल्पिक दवाओं के जरिए ही मरीजों का इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जागरूकता और प्रिकॉशन ही इस वायरस से बचने का एकमात्र विकल्प है। आप इससे बचाव के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कहीं भी बाहर आते जाते समय नोज मास्क का इस्तेमाल करें। खांसते या छींकते समय रुमाल से नाक और मुंह को अच्छे से ढकें। मांसाहारी भोजन से बचें। यदि खाते हों तो मांस को अच्छे से पकाकर खाएं। सी फूड खाने से बचें। सर्दी या जुकाम का लक्षण दिखते ही नजदीकी अस्पताल में जाकर तुरंत दिखाएं। पैनिक ना करें और संयम से काम लें।